इसलिए क्योंकि मानव के पास एक और जानकारी आई है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मानव, कोई जानकारी आपको मिल रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी चंद मिनट पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि रात को पूछताछ नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट अब इसमें यह आ गया है कि सुबह 8 बजे अरविंद केजरीवाल से एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे पूछताछ होगी और उसके बाद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। आप ये बता रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने से पहले 8 बजे बकायदा अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू हो जाएगी। मानव ने ये बड़ी खबर दी है न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, इस वक्त मैं बता देना चाहती हूँ ये बड़ी खबर है। कल अरविंद केजरीवाल से जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा उसका वक्त मुकर्रर हो गया है। मानव का रुख करें, उससे पहले गोपाल राय कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कि अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में, रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जरूरत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यह शुरुआत हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूत कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा और इसके लिए आज अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है, हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। मैं संदीप पाठक जी से चाहूंगा कि वो इस पूरे राष्ट्रीय प्रोटेस्ट के लिए अपनी बात रखें। आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? ये अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है, अभी इस देश के हर एक परिवार में जो एक ईमानदार राजनीति का समर्थक है,
जो इस देश को विकसित बनाना चाहता है, एक नई राजनीति लाना चाहता है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है। अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी नहीं है, ये लड़ाई इस देश के हर उस नागरिक की है जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति देना चाहता है। हम सब राजनीति में नए हैं, हम सबको इस गंदी राजनीति, षड्यंत्र, शाम दाम, दंड भेद का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज का भरोसा है कि इस देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और अब ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कल पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी, दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है, तो आप सब कल भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दे कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है, देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे हमने अभी आपके सामने संदीप जी ने रखा कि पूरे देश में सड़क पे हम लड़ेंगे, उसी तरह से अदालत के अंदर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैं आतिशी से चाहूंगा कि इसको लेकर के थोड़ा सा ब्रीफ। आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, 1 पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो, ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने कहा कि कल प्रोटेस्ट है, तो क्या विपक्षी दलों को भी आप लोगों ने उसमें आमंत्रित किया, जैसे आज के कांग्रेस के नेता मौजूद रहे, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी उसे ज्वाइन करेगी प्रोटेस्ट में? कल ये ओपन प्रोटेस्ट है, तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट में जो लोग भी इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है, सबको आमंत्रण है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है, और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई पर। आपको बता दें, सुबह एक बार फिर से केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त भी उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है। आरएमएल के डॉक्टर्स इस वक्त ईडी के हेडक्वार्टर के